हेलो गाइस, तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग की अब पोजीशन ले ली है। यहाँ पे 24,100 का कॉल मैंने शॉर्ट किया हुआ है और देखते हैं क्या होता है। अभी तो करंटली अपना पोजीशन यहाँ पे अपना लॉस में ही दिखा रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है। 24,100 का कॉल मैंने, यहाँ पे गाइस बहुत ही क्लियर ब्रेकडाउन दिखा रहा था मुझे, इसीलिए मैंने 24,100 का कॉल शॉर्ट किया है। ये पोजीशन लाइव लाइव है। अगर आप आस्था में ट्रेडिंग करना चाहते हैं सिर्फ 4,000 रुपये में, आप लोगों को यहाँ पे एक लॉट ऑप्शन सेलिंग के लिए मिलेगा, जो कि हिंदुस्तान में कोई भी ब्रोकर इतना मार्जिन नहीं देता है। ठीक है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप चाहें तो वहाँ पर आस्था में ट्रेडिंग के लिए अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के आधे घंटे के अंदर आपको आईडी पासवर्ड भी मिल जाता है, बहुत ही क्विक आईडी पासवर्ड देते हैं ये लोग, तो आप चाहें तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन ये दिखा रहा था कुछ इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे अब देखते हैं प्राइस नीचे आता है कि नहीं। जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। नेटवर्क थोड़ा स्लो है, तो गाइस यहाँ पे अभी भी मेरा 215 रुपये का लॉस दिखा रहा है। बहुत ही डिस्काउंट ब्रोकर है, 4,000 रुपये में एक लॉट आप ऑप्शन का सेल कर सकते हो, और जीरोधा या किसी दूसरे में अगर आप एक लॉट सेलिंग करोगे तो इसी के लिए 35,000 रुपये भी लगता है, 35,000 एक लॉट इंट्राडे में सेल करने के लिए, जबकि यहाँ पर आस्था में सिर्फ 4,000 रुपये में अपना काम हो जाता है। ठीक है, चलिए भाई मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइस अभी 225 का लॉस दिखा रहा है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता है तो बहुत ही शार्प मोमेंटम यहाँ से अपने को देखने को मिल सकता है। थोड़ा मैंने नीचे के लेवल पे यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, इसलिए थोड़ा लॉस दिखा रहा है अभी। थोड़ा बाई मिस्टेक यहाँ पर नीचे के लेवल पर शॉर्ट हो गया, फिर भी प्रॉफिट तो होगा। ऑप्शन सेलिंग में अपना थीटा डीके तो अपने साथ ही में रहता है, इसलिए प्रॉफिट होने के यहाँ पे चांसेस ज़्यादा रहे। चलिए अभी तो भी अपना पोजीशन 125 लॉस ही दिखा रहा है। जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी यहाँ पे 24,091 फिर से रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो गाइस फाइनली बैंक निफ्टी अपने पुराने रेंज में आ चुका है, 296 का प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिख रहा है। काफ़ी देर से बहुत, आज थोड़ा मार्केट थोड़ा सा वोलाटाइल है। अभी यहाँ पे चार्ट में आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये आस्था ट्रेड का है, बहुत ही सिंपल इंटरफेस है इसका। यहाँ पे आप कोई स्क्रीनर भी मिल जाता है, और बहुत सारा यहाँ पर आप इस ऐप में ही स्क्रीनर डाल सकते। ये देखिए बहुत ही शार्प मोमेंटम आया था, लेकिन अभी मैं रुका हुआ हूँ क्योंकि मुझे मालूम है, ऐसा लग रहा है चार्ट देख के, कि प्राइस यहाँ से बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आज दे के जाने वाला है। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। अभी तकरीबन 96, 97 का प्रॉफिट बता रहा है। तो गाइस फाइनली मार्केट क्लोज हो चुका है, और मैं लाइव ट्रेडिंग रिकॉर्ड किया था लेकिन वो गलती से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने ट्रेड क्यों लिया था। आज टोटल मैंने 3 ट्रेड लिया था, और तीनों कॉल ही लिया था, और तीनों कॉल को मैंने शॉर्ट किया था। ठीक है जी, तीनों कॉल को मैंने शॉर्ट किया था। अब कौन से रीजन की वजह से मैंने शॉर्ट किया था वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये आस्था का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। मैं यहाँ पर आपका टोटल मेरा प्रॉफिट 1,282 रुपये का हुआ है, और मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों मैंने इसको क्यों शॉर्ट किया था कॉल को, जबकि मार्केट आज बहुत ही तगड़ा ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर भी मैंने कॉल को शॉर्ट करके वहाँ पे प्रॉफिट बनाया। ठीक है, पे गाइस सबसे पहले मैं 10 मिनट का चार्ट ओपन कर लेता हूँ कि मैंने क्यों शॉर्ट किया था। ये 10 मिनट का चार्ट है अपना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, तो मैंने यहाँ पे मार्केट को, मैं प्राइस देख रहा था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन दिखा मेरे को,
तो यहाँ पे गाइस मैंने 1 मिनट का चार्ट चार्ट फिर ओपन किया। देखिए 1 मिनट का चार्ट जब ओपन किया तो देखिए यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे बहुत ही क्लियर ब्रेकडाउन दे रहा था। ये देखिए यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन दिया तो मैंने यहाँ पे कहीं पे अपना पोजीशन ले लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत ही छोटा प्रॉफिट बुक किया। ये देखिए प्राइस काफ़ी देर तक कंसोलिडेट करने के बाद में यहाँ पे आया, तो यहाँ पे अपना बहुत ही छोटा सा प्रॉफिट मिला, तो यहाँ पे मैंने बुक कर दिया। ठीक है, और जो दूसरा ट्रेड था अपना, जो दूसरा जो ट्रेड मैंने लिया था, फेस कर रहा था ये प्राइस यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे रिजेक्शन प्राइस को मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पे अपना एक फिर से अगेन कॉल को मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत ही छोटा प्रॉफिट मैंने बुक किया, इसलिए कि प्राइस आज बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम था ऊपर साइड, तो इसीलिए मैंने बहुत ही कम प्रॉफिट में यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, इस तरह से मैंने आज 3 ट्रेड लिए थे, और लाइव ट्रेडिंग मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो किसी तरह से फाइल वो करप्ट हो गया। गाइस आज मैंने टोटल 3 ट्रेड लिया था, मार्केट स्ट्रांग अप ट्रेंड में था, लेकिन मैंने तीनों पोजीशन शॉर्टिंग साइड बनाई थी, इसलिए मैंने आज छोटा सा प्रॉफिट बुक किया। मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम कर ही नहीं रहा था इसीलिए, और तीनों मैंने कॉल को शॉर्ट किया था, तो इसीलिए छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करके रहने दिया। अगर आपको आस्था में अकाउंट ओपन कराना है तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके लिंक को ओपन कर सकते हैं, कि और यहाँ पे 4000 में आपको निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन सेल भी कर सकते हैं और फ्यूचर को भी शॉर्ट कर सकते हैं या बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।